अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट्स और टाइप्स ऑफ ग्रेडिंग, यानी कि ग्रेडिंग जो एग्रीगेट्स की ग्रेडिंग क्या है और इनकी तमाम इकसाम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट है क्या। द आर्ट ऑफ डूइंग ग्रेडिएशन, पार्टिकल साइज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन एग्रीगेट एज डिटरमाइंड बाय फिव एनालिसिस इज नो ऑफ एग्रीगेट्स, यानी कि एग्रीगेट्स के अज़ा के साइज़ के हवाले से छलनियों के तजिया के ज़रिए तकसीम एग्रीगेट्स की ग्रेडिंग्स कहलाती है। यानी कि ये जो हैं सामने आपको शेप्स नज़र आ रही हैं, ठीक है, इनके हवाले से जो हम आगे हम अभी पढ़ेंगे कि जो हम तकसीम करते हैं उसको क्या कहते हैं, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट्स। तो आगे देख लेते हैं जी टाइप्स ऑफ एग्रीगेटिंग, यानी कि जो टोटल टाइप्स कितनी हैं। इसकी टोटल चार टाइप्स हैं। सबसे पहले है कंटीन्यूअस ग्रेडिंग, दूसरी है इररेगुलर और पुअर ग्रेडिंग, तीसरी है वेल ग्रेडिंग और चौथी है गैप ग्रेडिंग। सबसे पहली है कंटीन्यूअस ग्रेडिंग, ठीक है, जो कंटीन्यूअस ग्रेडिंग है इसको उर्दू में हम कहते हैं मुसलसल ग्रेडिंग, ठीक है। तो उर्दू में इसकी डेफिनेशन ये है कि जब एग्रीगेट्स में तमाम साइज ग्रुप के ज़रात मुनासिब नस्बत में मौजूद हों तो इन्हें मुसलसल ग्रेडेड एग्रीगेट्स कहा जाता है, ठीक है। एग्रीगेट इज सेड टू बी कंटीन्यूअस ग्रेडेड व्हेन इट्स कंटेन ऑल पार्टिकल साइज ग्रुप्स, यानी कि तमाम जो इनका साइज होता है वो तकरीबन एक ही हो तो इन्हें हम कंटीन्यूअस ग्रेडिंग कहते हैं। क्या जनाब, इररेगुलर और पुअर ग्रेडिंग, यानी कि ना हमवार ग्रेडिंग है, इसको उर्दू में कहेंगे ना हमवार ग्रेडिंग। द ग्रेडिंग इन विच द प्रॉपर्टीज ऑफ सर्टन intermediate particles or deficient or in excess in termed as poorly graded aggregates, yani ki aggregates aisi grading jisme darmiyane size ke aggregates ki zyada ya kami ho to ise hum na hamwar grading kahenge, kyunki koi bada ho koi chota ho, theek hai, patthar to isko hum kya kahenge, irregular grading। to isliye hai well grading। well grading mein hum इसकी डेफिनेशन क्या उर्दू में करेंगे कि अगर एग्रीगेट के तमाम अज़ा एक ही साइज़ के हों तो एग्रीगेट्स के जो दरमियान खला ज़्यादा होंगे, ठीक है। एग्रीगेट की अच्छी ग्रेडिंग से ठोस कंक्रीट तैयार होती है और सीमेंट और रेत की जो कम पेस्ट की जरूरत होती है, इसलिए क्वालिटी कंक्रीट की तैयारी के लिए ज़रूरी है कि मोटे और बारीक ज़रात अच्छी तरह ग्रेडेड हों। अच्छी या वेल ग्रेडेड ये कंक्रीट कहलाती है, यानी कि तमाम साइज के जो एग्रीगेट्स हैं वो अगर मौजूद हों तो दरमियान में जो खला है वो बहुत कम होता है, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं वेल ग्रेडिंग। इसके बाद आ जाता है जनाब लास्ट में गैप ग्रेडिंग, कि गैप ग्रेडिंग क्या चीज़ है। देखें, अगर जो है दो एग्रीगेट्स के दरमियान जो तीसरा एग्रीगेट है इसके दरमियान अगर खला मौजूद हो, ठीक है, ये देख सकते हैं, इसके दरमियान अगर खला मौजूद हो, इसको कवर करने वाला कोई जो पत्थर है वो अगर यहाँ पर ना हो तो इससे हम क्या कहेंगे, गैप ग्रेडिंग। इसकी डेफिनेशन इस तरह कह सकते हैं कि व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ सर्टेन साइज आर मिसिंग इन द एग्रीगेट्स देन द ग्रेडिंग इज टर्म एज गैप ग्रेडिंग। उर्दू में अगर कह सकते हैं हम, अगर एग्रीगेट की किसी मखसूस ग्रेडिंग में एक या ज्यादा दरमियाना साइज मौजूद ना हो तो ऐसी ग्रेडिंग को गैप ग्रेडिंग कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और मज़ीद सिविल की जो रिलेटेड मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।